सो हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? वैसे आप सबने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। तो हाँ, मतलब मेरे को स्केचेस ड्राइंग्स का बहुत शौक है, बचपन से काफ़ी शौक था। मतलब स्कूल में भी मैं अपने दोस्तों की वो कहते थे ड्राइंग बना दे तो मैं बना देता बिना कुछ कहे। बहुत शौक है मतलब बचपन से, तो भाई बस ड्राइंग स्केचिंग यही पेंटिंग यही करना था। और मम्मी को भी बहुत शौक है, तो उनको देखते देखते मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा उनसे। बस यही है, बड़े होते होते जैसे लाइफ चेंज होते रही वैसे वैसे शौक भी कम होते रहे। अभी तो मैं कुछ ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, लेकिन तो अभी कोविड के टाइम में काफ़ी टाइम मिला था, तो उसमें मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी। तो उनमें से कुछ अच्छी ड्राइंग्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो और ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये माइक लगा लूँ, बाल सही है ना? पता नहीं, अल्लाह माफ करे, बहुत मनूस लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, एक बहुत ही क्यूट सा मेरे को बेबी मिला था, मतलब गूगल से मैंने बनाई थी, गूगल से देख के मैंने बनाई थी। तो ये एक ड्राइंग है, ठीक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अब मैं कुछ एक्टर्स की आपको ड्राइंग्स दिखाने जा रहा हूँ, तो गैस करना कौन सा एक्टर है, आप बता पाए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो ये है एक ड्राइंग, अगर आप पहचानते हो इनको कि कौन है ये तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काफ़ी मेहनत लगती है यार ऐसी ड्राइंग्स में, अभी हमारे मतलब आपको। पर हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत प्रोफेशनल लेवल पर ड्राइंग कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो बनाते हैं अच्छी अच्छी स्केचेस ड्राइंग, लेकिन मैं तो बस ऐसी हॉबी के लिए मैंने किया था। तो ये मैंने कोविड के टाइम में बनाई थी। इसके बाद है ये तो मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट स्केच है, वन ऑफ द फेवरेट, मतलब काफ़ी पसंद भी मेरे को ये एक्टर। और इन एक्टर का भी नाम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, वैसे आप सभी को पता ही। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। उसके अलावा मैंने ये कुछ ऐसे स्केचेस बनाए, ये है एक, और ये पेस्टल ड्राइंग टाइप कुछ, ये सारे स्केच बनाए, स्केच यूज करके बनाए मैंने। ये तो ऐसे सिंपल सी आइस है, ठीक है, ऐसा हॉबी मैंने ये बनाई है, ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रोफेशनल लेवल में बना रहा हूँ। काफी अच्छे अच्छे लोग ड्राइंग्स बनाते हैं, लेकिन ये मैंने ऐसी हॉबी बनाई थी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लग रही है आप सबको ये, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना। ये कुछ ऐसे क्यूट से पप्पी बनाया था मैंने, ये हॉर्स, ये ऐसे सीनरी, ये तो मतलब काफी पहले की, मतलब जब मैं छोटा था तब की ड्राइंग सही है, तो इनको देख कर जज मत करना। ये बनाई थी, ये तो छोड़ो, ये म्याओ, और ये इन सबको आप सब जानते ही होंगे, छत्रपति शिवाजी। ये शायद, हाँ, ये सीनरी थी, ये काफी पहले की, ये तो कोविड के टाइम में नहीं है, मैं जब छोटा सा था ना तब की, 2012 लिख रहा है, 28 नवंबर 2012, जब मैं बहुत छोटा था तब की ये सारी। तो इनको देख के जज मत करना, मतलब अब तो मतलब काफी अच्छे बनाने लग गया, पर अगर और मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो और बनाऊंगा मैं, मन तो काफी बनाने का। और ये एक नोज है। इसके अलावा मैंने मतलब वो बॉल स्केच भी की है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। मतलब कोविड के टाइम में फालतू बैठे तो मैंने ये भी घर पे ये बनाया था ताकि अच्छा लगे। सबसे पहले ये गिटार, ये मैंने पूरा मार्कर, ब्लैक मार्कर का यूज करके यहाँ पे डिजाइन करके बनाया था। आपको लग रहा होगा कोई स्टीकर टाइप है, लेकिन ये सब कुछ मैंने मार्कर से बनाया है। उसके बाद ये कुछ स्केचेस है, ये वैसे तो मेरा है, अगर इससे अच्छा ही बना सकते, लेकिन बाद में बनाएंगे। ये है मेरे पापा, ये मम्मी का जो मैंने मदर्स डे पे बनाया था। और ये एक क्यूट सी माँ बनाई थी मैंने, जो बस सोती रहती है, इतना साल हो गया उसको बनाए हुए, अभी तक नहीं उठी है। मतलब मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए कि बस सोते रहो। और ये क्यूट सा डॉगी, ये काफी क्यूट लगता है मेरे को, इससे क्यूट भी दिखाओ एक। ये रहा पिकाचू, ये तो मेरा यार बहुत फेवरेट है यार, मतलब इतना बार बार देख के ऐसे चार्ज अप हो जाता हूँ ना मैं, क्योंकि ये भी चार्ज ही हो रहा था, मैं भी चार्ज अप हो जाता हूँ उसको देख के, काफी अच्छा लग रहा है इसको देख के तो यार, पिकाचू। और हाँ, एक ड्राइंग और दिखाता हूँ, मतलब मैंने वॉल पे बनाई थी, पर वो सीन क्या हुआ, मैंने बालकनी में बनाई थी, बालकनी बनाने की वजह से यहाँ शायद आवाज की दिक्कत आ सकती है। ये बनाई थी यहाँ पे, तो इसमें मैंने स्केचेस, अंदर चल के बताता हूँ, यहाँ पे काफी शोर है, काफी गाड़ियां जाती हैं इसे। तो सीन कुछ ऐसा था ना, मैंने उसको स्केच पेन जो होता है ना उससे पूरा कलर वगैरह किया था, लेकिन पता नहीं बाहर धूप आती है तो उसकी वजह से वो सारा कलर हट गया। और 3-4 दिन में कलर गया था, लेकिन वो काफी अच्छी लग रही थी, मतलब उसमें अच्छे से दिखाता हूँ आपको, काफी अच्छी लग रही थी। उसकी फोटो भी फोटो होगी तो मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है। ये थी। और अब एक और आपको दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि वो स्टिकर्स है, जो स्टिकर्स आते हैं ना वॉल पे लगाने वाले, वो है। मेरे को काफी दोस्तों को मैंने इंस्टा पे भी डाला था, दोस्तों को दिखाया था, सब कह रहे थे तो स्टिकर है, तो वो स्टिकर नहीं है, वो मैंने ड्रॉ किया है। और मैंने वो बनाया है जब अगले दिन एग्जाम था, रात को मेरे को बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तब मैंने बनाया वो। तो देख के बताना कैसा लग रहा है। हाँ वो दिखाता, ये रे। तो ये कुछ स्केचेस वगैरह थे, वॉल आर्ट्स थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो चैनल में सब्सक्राइब करके जाना यार, सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये व्लॉग बनाते हुए, मतलब ऐसे एज अ हॉबी है ये स्केचिंग करना, और मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दी, लेकिन उनको दिखाते टाइम ही मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो मेरा मन हो रहा है और बनाऊँ, तो जैसे टाइम मिलेगा या जैसे टाइम निकालते हैं, टाइम मिलता कहाँ है, टाइम निकालना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे वापस से और बनाएंगे कुछ अच्छा, और आपको जरूर दिखाएंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप और ऐसे और स्केचेस देखना चाहते हो क्या। मतलब ऐसे बचपन में मैंने काफ़ी बनाया, लेकिन वो तो नहीं दिखा हुआ है यार, अब तो ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो ठीक है। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आग लगा दो चैनल पर। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।